बहुत इलाज करा, उसका कुछ होता नहीं है। उसकी खूबसूरत सा ये भी खूबसूरत सा ये भी खूबसूरत। तो ये ट्रक आपने फ्री कर करके बनाया भाई के एक के बाद एक? ये ट्रक नागालैंड नंबर पे, तो उसका भी पैसा यही लोग देंगे कंपनी वाले? हाँ, एक टाटा है, तीन अशोक लेलैंड चलती है फिर। हाँ, फिर कमाई की लाइन बन जाती होगी यहीं पे, फिर फिक्स चलेंगे परमानेंट। परमानेंट फिक्स नहीं कर रहे थे तो किस चीज पे, किस रूट पे चला रहे थे अभी आप? 1,40,000 रुपए ऐसा लगा वापस। तो इसमें फिक्स में ऐसा है कि जैसे खाली किया अशोक लीलैंड में सब कंपनी का ही है, सिर्फ खुद ही लेके आया तो गाड़ी खड़ी करके। हाँ, भले गाड़ी कहीं लेकिन नहीं आ रहा समझ में। फिर आप जब एक्सल में फूटा हुआ है। हाँ, तो जैसे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये वाला ट्रक जो है फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आ रहा है, मतलब ये वाले मॉडल में। इसको भाई क्या बोल रहे थे रंजीत भाई, आपने क्या बोला था इसको? एक तो कैप्टन आता है। हाँ, ये वाला कौन सा है? ये अपने डिस्पोजल मॉडल, भाई ने बताया इसको डिस्पोजल मॉडल बोलते हैं, इसमें कैप्टन भी आता है। पहले आपने देखा होगा यही जो है ना, पहले 4019 में आता था, 4019 शायद उसको बंद कर दिएगा। तो ये जो है 4620 4620 AU है ये। मैं पहले इंजन वगैरह बता देता हूँ, फिर दिखाते दिखाते आपको इसकी ऑप्शन दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो सुनाई कम दे रहा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो शो कुछ गड़बड़ हो सुनने में या बोलने में तो उसको माफ़ करना, पहले ही बोल दो, नहीं तो आप बोलो कि भैया क्या आज बहरे बने फिर रहे हो आप। सबसे पहले बता दूँ इसमें iGen 6 मतलब एच सीरीज़ का, हाइनो सीरीज़ का, जो जापान से अशोक लीलैंड लेता है उस इंजन को, वो वाला इंजन है 5.6 लीटर का, 5,660 सीसी का, 5,660 सीसी का इसमें इंजन है। और ये 4620 लिखा है, 4620 लिखा है, आखिरी में जो 20 लिखा है 200 HP उसका, मतलब 200 HP की इसमें पावर है, 700 NM का टॉर्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि 6 सिलेंडर ही ये इंजन है, 4 का माइलेज कंपनी इसका क्लेम करती है। और जो 46 लिखा है आगे 46 मतलब 45,500 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है, 45,500 kg इसका पूरा वजन है, और 35,500 kg ये पासिंग आता है, 35,500 kg ये पासिंग आता है, मतलब 35.5 टन ये ट्रक पासिंग आता है। ये अच्छा लगा मुझे कि 6 सिलेंडर इंजन है, और बिल्कुल ये वाली प्रोफाइल भी इसकी अच्छी है, बना भी बड़ा अच्छा खूबसूरत है। मैं आपको दिखाते बाकी की चीज़ें बताता हूँ, डिस्कस करते हैं अपन। तो ये देखिए, दूर से मैंने इसकी प्रोफाइल ली है, भाई ने सजावट करके रखा है, नागालैंड नंबर पर है मतलब ट्रक। हाई, ये हाई बेड में बना हुआ है। पहले मैं खूबसूरती बता दूँ इसकी, 18 टायर ये ट्रक है। और बता दूँ ये सिंगल क्राउन में है, रंजीत भाई ने बताया डबल क्राउन में भी आता है ये। 37 लाख इसका एक शोरूम प्राइस है, फिर अपने राज्य के हिसाब से आपके हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। ये इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, भाई ने ग्रिल कवर लगा के रखा है, एड ब्लू टैंक लगा के रखा है जो कि कवर करके रखा, दो बड़े बड़े प्रेशर टैंक, यहाँ पे सब कनेक्टिविटी दे रखी है, लकड़ी वगड़ी का कोई सामान लगा के रखा है भाई ने। यहाँ पे डबल कबाड़ी सेटअप आप देख सकते हैं, ये ग्रिल कवर बहुत अच्छा है, पट्टे टिकनिंग साफ करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आप डबल कबाड़ी का सेटअप, यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, यहाँ टूल बॉक्स दे रखा है पीछे की तरफ, लिफ्टिंग वाले दो टायर, यहाँ पे जो छोटे छोटे स्कूटर के टायर लगा रखे हैं। ये खूबसूरत सा ये भी खूबसूरत सा ये भी खूबसूरत, देखिए आप दूर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लिफ्टिंग वाले टायर्स के बलून, उधर से दिखा दूंगा मैं आपको। ये नीचे देखिए बात रखा है, कभी मतलब जो ऊपर तार वार आते हैं तो उसके लिए रख रखा है, इसको कंटेनर रखा हुआ है इस तरफ, इसकी पीछे वाली प्रोफाइल है, अब इधर से दिखा दूँ मैं आपको। तो ये देखिए कटे है ना, खूबसूरत लग रहा है दिखने में, हिंडाई लिखा हुआ है इस पर, है बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं आपको इधर से ले जाओ यहाँ से अंदर चले जाऊँगा मैं। ये देखिए लिफ्टिंग वाले टायर जो हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहे, तो ये तो कुछ ऐसा ट्रक है। और यहाँ से ये भाई ने अच्छा लटकर डीजल टैंक, 300 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। यहाँ पे दो प्रेशर टैंक और दे रखे हैं, बैटरी का सेटअप दे रखा है, बैटरी कट ऑफ वगैरह वहाँ से कर सकते हैं। तो भाई का ट्रक अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है अंदर से भाई का ट्रक, और बहुत ही ज़्यादा सजावट करके रखी है भाई ने ट्रक में, टेढ़ा खड़ा हुआ थोड़ा सा, ये फाटक बंद कर लूँ, फाटक बंद कर दो। ये देखिए स्लो मोशन में, ये इतने सारे तामझाम से आपको देखने में दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं। रंजीत भाई हमारे साथ, रंजीत भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, और ये हमारे टोलू भाई, आप दोनों राजस्थान के ही हैं? अजमेर के रहने वाले रंजीत भाई, लेकिन ये अजमेर के आप रहने वाले हैं, और ये ट्रक नागालैंड नंबर पे, ये इसमें टैक्स का फायदा है, तो राजस्थान में तो वैसे ही टैक्स का फायदा हो जाता है, हमारे टैक्स ज्यादा लगता है, हमारे इधर पता है एमपी में राजस्थान नंबर पे लोग लेते हैं, क्योंकि हर साल टैक्स देना पड़ता है, इसलिए एमपी में एक ही बार में पूरा, नागालैंड में ऐसा है कि एक ही बार लगता है, एक ही बार लगता है टाइम का, नहीं तो वो तो एमपी में भी हो जाता है ना। अच्छा, ज्यादा लगता है यहाँ पे? वहाँ पे कितना लगता है? हर साल में देना पड़ता है, और वहाँ पे एक जब गाड़ी उठाते हैं ना तो एक लाइफ टाइम का लगता है। ये आपका खुद का ट्रक है? बड़े भाई का है। बड़े भाई का मतलब आप खुद ही मतलब मोटर मालिक ही है? आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में, ट्रक वाली लाइन में? मेरे को हो गया अपने 8 साल हो गए। तो मोटर मालिक कब से बने? नहीं नहीं है,
मतलब अभी ये बड़ा भाई पहले से चलता था, वो अभी चार गाड़ियां हैं। अरे खुद की चार गाड़ियां? हाँ। अरे क्या बात है, तो चारों अशोक लीलैंड? हाँ। एक टाटा है, तीन अशोक लीलैंड। तो बेहतर कौन सी लगी आपको, टाटा या अशोक लीलैंड? वैसे तो बेहतर तो सबसे ज्यादा टाटा है। अच्छा, एवरेज में? हाँ। सब में टाटा है। ये वैसे अशोक लीलैंड का लोग बोलते हैं एवरेज में अच्छी है, ये एवरेज में जो अभी नया मॉडल में आ रहा है ना, ये एवरेज दे रहा है। तो फिर भी आपको टाटा इतनी अच्छी लगी, फिर भी आपने एक टाटा और तीन लीलैंड रख रखी? वो पहले से लीलैंड ले रखी थी, अभी टाटा लिए। तो लिए सब आपके पास यही है, सिंगल क्राउन 18 चक्का? हाँ। तीनों गाड़ी 18 चक्का? हाईवेट पे बना रखी आपने? हाँ, तीनों के हाईवेट है। मतलब ट्रेलर पे भी नहीं है, मतलब वो बॉडी ट्रेलर की बॉडी बनी रहती है? बॉडी वाली भी है। बॉडी वाली भी है? हाँ, ये दो बॉडी वाली है, एक ये हो गई और एक टाटा हो गई केबिन वाली, मतलब टाटा आते ना कंपनी में से। अच्छा, सिग्ना होगी आपके पास? नहीं, सिग्ना नहीं, तो टाटा है, टाटा पहले वाली टाटा है। अच्छा, अभी नया मॉडल में निकली है वो सिग्ना है। हाँ हाँ, तो पहले वाली जो टाटा, पहले वाली जो टाटा आती थी बाहर से बनवानी पड़ती थी। हाँ। चेचिस आता था। हाँ। वो गाड़ी रखी है, तो उसकी वजह मेन यही गाड़ी ट्रेलर रखने की सिर्फ, ये शौक है। तो ये चारों ट्रक कितने टाइम में बनाए भाई आपने? 2013 से बना। 2013 मतलब 8 साल जो आपको इस लाइन में होगा, तो आप 8 साल से खुद के ट्रक चला रहे हैं? पहले बड़ा भाई चला था, अपने 35-40 साल हो गए उनको। हाँ। अच्छा, उनको 40 साल हो गए। हाँ। फिर उन्होंने इतने चार ट्रक बनाए। हाँ। तो ये ट्रक आपने फ्री कर करके बनाए भाई, कि एक के बाद एक बना लिए? फ्री करके हैं? पहले एक 5 साल चलाया होगा। हाँ। फिर उसको फ्री होने के बाद में उसको फाइनेंस करवा के फिर दूसरा उठाया, मतलब वो फ्री होके फिर उसको वापस से फाइनेंस कराया। तो उससे क्या फायदा होता है? तो उससे फायदा ऐसे है कि जो फाइनेंस कराते हैं, हाँ, तो उनको दूसरी गाड़ी बनाते हैं ना। हाँ। तो उसमें पैसा लगाते हैं और उनकी जो किस्त है जो फाइनेंस कराते हैं ना। हाँ। तो उसकी किस्तें कम हो जाती है, छोटी होती है। लेकिन फिर किस्त डबल बन जाएगी ना उसकी भी? जाना पड़ेगी, ज्यादा आती है उसकी कम आती है, लेकिन दो दो किस्त तो बन जाएगी, लेकिन गाड़ी भी तो दोनों चलती है। हाँ। फिर कमाई की लाइन बन जाती होगी। वो क्या है कि घर वाले घर घर के चलते है ना। हाँ। तो फ्री हो जाता है। ज्यादातर आप किस चीज पे चलते हैं? ये अपने साउथ लाइन, साउथ लाइन चलते हैं। साउथ में कहाँ कहाँ जाते हैं आप? ये अपने चेन्नई, हैदराबाद। तो राजस्थान से सीधा चेन्नई का माल ले जाते हैं? दिल्ली से लेके जाते हैं। दिल्ली से? हाँ। मतलब दिल्ली खाली जाते हो फिर? नहीं, तो उधर से दिल्ली का माल मिल जाता है, दिल्ली से वापस उधर का मिल जाता है साउथ का। हाँ। फिर साउथ से वापस दिल्ली आते हो? हाँ। फिर दिल्ली से राजस्थान? हाँ। तो परमानेंट यही लगाते हो ट्रिप? हाँ। तो जैसे राजस्थान उधर अपने पुणे, बम्बई, गुजरात, बड़ौदा उधर भी जाते हैं। ये सब जो माल आपको मिलता है रंजीत भाई, ट्रांसपोर्टर से ही मिलता है? हाँ, ट्रांसपोर्टर से। हैं? ये खुद के पर्सनल लाइन नहीं, ट्रांसपोर्ट से मिलता है, टोटल ट्रांसपोर्ट से मिलता है। तो ट्रांसपोर्टर कहाँ कहाँ के पहचान कर रखे हैं? ये अपने राजस्थान के भी है, दिली साइड के, हरियाणा, पंजाब के। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं इसमें? ये अभी अपने अहमदनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अहमदनगर से? ये भोपाल के पास आप 55 किलोमीटर? कितना किलोमीटर पड़ा टोटल आपको? 1200-1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। क्या लेके आए इसमें आप? ये खाली कंटेनर है। खाली कंटेनर बस? हाँ। इसको यहाँ छोड़ेंगे आप? हाँ, इसको छोड़ेंगे। अगर पार्टी वाला बोल देगा भाई पेप्सी लोड करके वापस जाना है। हाँ। तो लेके चलेंगे, कंटेनर में लेके जाओगे? हाँ। इसी में? हाँ। वरना इसको छोड़ के चले यहीं पे, फिर फिक्स चलेंगे, परमानेंट चलोगे? कब तक? ये देखते हैं जब तक पार्टी वाला चला। तो ये वहाँ से यहाँ तक का क्या भाड़ा पड़ा होगा आपको जो आप आए महाराष्ट्र से? ये इसका पड़ा है अपने 70,000। अच्छा, 1200। और यहाँ से अगर वापस जाओगे तो भी इतने पड़े? इसका वो फिक्स रेट हो जाएगा फिर महीने का, भाई कितना देगा कितना नहीं देगा, बाकी का खर्चा इनका रहेगा। अच्छा, मतलब परमानेंट काम हो जाएगा फिर ये पेप्सी ले जाने का आपका? हाँ, क्योंकि गर्मी आ गई है अब। हाँ, उधर इधर से पेप्सी लेके जाएंगे। हाँ। उधर से वापस ये खाली कंटेनर आएगा, बार बार ऐसा चलता रहेगा। हाँ। तो खाली कंटेनर उधर से आएगा तो उसका भी पैसा यही लोग देंगे, कंपनी वाले? हाँ। तो ये कंपनी में हमारे को महीने का 1,00,000 रुपए देगा कंपनी वाला? हाँ, उसमें ड्राइवर खर्चा। हाँ। हमारा रहेगा। नहीं, महीने का अगर आपको 1,00,000 रुपए देगा ये। हाँ। तो उसमें डीजल वीजल आपका? डीजल सारा इनका ही है। डीजल सारा इनका है? हाँ, डीजल, टोल टैक्स। हाँ। और बॉर्डर खर्चा जो भी आता है। हाँ। वो सारा इनका है। सूखा महीने का 1,00,000 रुपए देगा ये? हाँ, बाकी सब खर्चा निकालने के बाद। हाँ। लेकिन फिर इसकी किस्त कितनी है? इसकी है अपने 76,000। 76,000 रुपए किस्त है। ये कितने का पड़ा था ये आपको? ये बड़े भाई को मालूम है, मेरे जैसे 37 लाख का तो वैसे आता ही है। हाँ। और जहाँ तक मेरा अंदाजा फाइनेंस करा के सिर्फ घोड़ा आपको 40-45 लाख तक का पड़ा होगा। और ये पीछे का जो बनवाया होगा। हाँ, ये बनता 10-12 लाख का? ये 12 लाख, मतलब वो 60 लाख के आसपास पहुंच जाता है सब कर को आके। तो 76,000 इसकी किस्त आती है। सूखा अगर 1,00,000 रुपए महीना दे भी रहे अपने को तो उसमें आपकी किस्त निकलेगी और आपका खर्चा निकलेगा। हाँ। बस और कुछ नहीं? और कुछ भी। और ऐसे लेकिन भाड़े से चलाते तो? अभी भाड़े में चलाते तो वो ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही मामला है। हाँ। अच्छा, जैसे तो उसमें ऐसा है कि जैसे अभी ये माल लेके आया। हाँ। तो ये यहाँ पे उतार दिया। हाँ। तो उसको मालूम पता नहीं अभी दूसरा माल बोलेगा नहीं बोलेगा, 2-4 दिन यहाँ पे खड़ा रहेंगे। हाँ। तो इसमें फिक्स में ऐसा है कि जैसे खाली किया वापिस तुरंत आ गया।
अच्छा हाँ। तो ये फिक्स आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके बात करिए पहले या फिर मतलब कैसे लाइन होगी? यही आएगा फिर उससे बात करेंगे। अच्छा वो यही आएंगे, अगर उन्होंने फिक्स का बोल दिया तो फिर फिक्स पे चल जाएगी? फिक्स चलेंगे। अच्छा ये तो फिक्स होके चल जाएगी, इसमें ऐसा है की माल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा फिक्स नहीं कर रहे थे तो किस चीज पे किस रूट पे चला रहे थे अभी आप ट्रक को? अभी इधर अपने बम्बई की तरफ चला रहे थे, बम्बई गुजरात। बम्बई मतलब बम्बई क्या लेके जा रहे थे आप? बम्बई उधर से अपने दिल्ली से केबल ड्रम लेके जाते हैं। केबल ड्रम मतलब ये अपने तार के बंडल आते हैं ना। हाँ इसी पे। हाँ हाँ कभी वो बढ़ते हैं, कभी अपने जो एंगल चेंगल आती है वो बढ़ते हैं दिल्ली से बम्बई के लिए। हाँ फिर राजस्थान से दिल्ली क्या लेके जाते हो? राजस्थान से तो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है। अच्छा हाँ तो दिल्ली से डायरेक्ट सीधा बम्बई। बम्बई फिर बम्बई से वापस दिल्ली। बम्बई से वापस दिल्ली। तो क्या भाड़ा रहता है दिल्ली से बम्बई का? दिल्ली से बम्बई का रहता है अपने 90,000 रुपए। 90 कितना किलोमीटर पड़ता है? ये पड़ता है 2,700-1,800 किलोमीटर। अच्छा और आने का भी वही रहता है? आने का थोड़ा ज्यादा रहता है, आने का 1,00,000 प्लस हो जाता होगा। ये अपने बम्बई से दिल्ली का रेट ज्यादा रहता है। तो ये ट्रिप कितने दिन में पड़ती होगी? दिल्ली से बम्बई जाना, बम्बई से वापस दिल्ली आना, तो 3 दिन जाने का 6 दिन में, 6 दिन में आना जाना होता है। 6 दिन में ये 1,80,000 के लगभग आपका भाड़ा पड़ता होगा। हाँ। जैसे साउथ जाते हो आप क्या लेके जाते हो? साउथ में ऐसा है कि जैसे लंबे चलते हैं 2,500 किलोमीटर। हाँ। राजस्थान से चेन्नई 2,500 किलोमीटर पड़ता है। और दिल्ली से 3,000 किलोमीटर पड़ती है। हाँ। तो वहाँ से उधर से पड़ता है कभी 1,10,000 रुपए भाड़ा दिल्ली से मिलता है चेन्नई का। और चेन्नई से मिल जाता है 1,40,000 रुपए ऐसा भाड़ा वापस इधर कहीं वापस दिल्ली का। वापस मतलब दिल्ली चेन्नई करते रहता है, इधर नहीं आता होगा राजस्थान? राजस्थान का तो कभी बोल जाता है तो भर लेते हैं। मतलब वो ऐसा रहता होगा कि आपको कभी बोल दिया उन्होंने भरने का तो आप भर लोगे फिर घर भी आ जाओगे, वरना उधर उधर चलते रहो। जब दिल्ली जाते हैं ना तो घर पे होके जाते हैं। अच्छा घर पे होके जाते हैं। ये चारों गाड़ी चल रही है इसकी किस्तें मेंटेन हो जाती होंगी अब तो आराम से? जब आपने पहली गाड़ी फ्री करी होगी तो ऐसे है कि जैसे घर के ड्राइवर चल रहे हैं घर घर के, तो इसमें घर के अंदर ही पैसा आ रहा है। हाँ। तो किस्त अपने आप ही बढ़ी निकल जाती है। अच्छा और ड्राइवर चलता है। हाँ। तो ड्राइवर को भी महीने का 10-20,000 रुपए देना होगा। अच्छा क्या एवरेज कितना देता है आपका ट्रक? ये अभी ये दे रहा है, इसमें दिया था आपने कंटेनर में 4 का खाली कंटेनर तो 10 टन का है। खाली 10 टन का कंटेनर। एक बात ही बताइए, टाटा अभी आपने चलाई होगी, आपके पास टाटा है, चलाने में कौन सी गाड़ी बेहतर लगती है आपको? चलाने में तो अभी जो नए मॉडल में ये डिस्पोजल आ रही है ना DA6। हाँ। ये अच्छी चल रही है टाटा से। टाटा से अच्छी चल रही है? हाँ। और पहले जो केबिन वाली थी ना। हाँ। उससे अच्छा वो टाटा चलती थी। अच्छा सर्विस कितने किलोमीटर पर कराते हैं आप इसकी? 80,000। क्या खर्चा बैठता होगा उसमें? कंपनी का ही है बस टोटल। हाँ। ये तो फिर भी आपको पैसा तो देना पड़ता होगा ना? नहीं उधर में अभी जैसे फ्री नहीं होगी ना। हाँ। तब तक कंपनी का ही है। तो ये तो ऑयल का पैसा तो देना पड़ेगा ना आपको? ऑयल 10,000 रुपए लगते हैं। फिल्टर विल्टर जो लगते हैं उनके पैसे तो देते होंगे? सारा कंपनी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अशोक लीलैंड में सब कंपनी का ही है सिर्फ? जैसे मतलब 5 साल तक आपको बीच जंगल में भी कभी गाड़ी खराब हो गई कुछ हो गया तो कंपनी वाले सुविधा देते हैं? हाँ सारे कंपनी। कभी हुआ ऐसा? नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं ऐसा। आपकी जो गाड़ी सबसे पहले फ्री हुई थी वो कौन सी है? वो अपने लीलैंड ही है। लीलैंड ही है तो उसकी तो आप बाहर ही कराते होगे आपके कंपनी? अभी तो बाहर ही होती है। उसका कितना खर्चा आता है? उसका जाता है बाहर कराते हैं तो 35-40,000 रुपए। 35-40,000 रुपए। हाँ। पूरा खर्चा आ जाता है उसका। हाँ। अगर उसमें कभी कोई पार्ट्स वार्ट खराब हो गया एकदम तो फिर वो पार्ट्स के ऊपर है भाई ये कितने का है ये कितने का है। नहीं तो जैसे अगर जंगल वंगल में कहीं आप हो वहाँ कैसे अरेंज करते हो? हम खुद ही जाते हैं। खुद ही जाते हो आप? खुद ही लेके आते हो गाड़ी खड़ी करके? हाँ। भले गाड़ी कहीं भी हो आप दूर से? एक लड़का गाड़ी में रहता है। जैसे हमारे भाई है उनसे तो बात हो रही तो लगे हुए हैं शायद गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात करने में। एक लड़का गाड़ी में तो वो पार्ट्स वार्ट्स लेने जाते होंगे। हाँ। फिर आप मैकेनिक को ढूंढते होंगे वो सब। हाँ। काम उसमें बहुत दिक्कत आती होगी लेकिन यार ज्यादा दिक्कत आती है जंगल के अंदर। जैसे आपको अभी 8-1 साल हो गया तो आपको लाइन बढ़िया लगती है? लाइन तो बहुत खराब है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। घर वाले भी बोल रहे थे पढ़ाई कर ले 10वीं तक पढ़ के छोड़ दिया। अच्छा बाद में याद आएगी पढ़ाई कर लेते तो। मुझे सबसे ज्यादा पता देख के क्या लगता है, मैं क्या 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा मुझे देख के लगता है मैं जब देखता हूँ ना कि रात में अपन कहीं जाते हैं तो ट्रक खड़े हुए तो मैं देखता हूँ यार ये तो ट्रक में ही सो रहे हैं। अब सुबह उठेंगे तो नहाना धोने से लेके सब कुछ कहाँ क्या करना है वो एक थोड़ा सा लगता देख के यार है, क्योंकि अपन घर में रह रहे हैं। सब घर से निकल के आते हैं तो यही घर हमारा है ना। टोलू भाई आप मतलब कैसे आ गए लाइन में? 1 महीना हुआ। टोलू भाई जवान वान भी लग रहा है, अच्छे रेंटम वेंटम भी है टोलू भाई। इनको बोल रहा है समझा रहा भी हूँ, रोज समझाता हूँ भाई कोई मतलब नहीं है गाड़ी लाइन में, लेकिन नहीं आ रहा समझ में। नहीं फिर आप जब चलाने लगोगे जब आप तब जाके उसको पता पड़ेगा भाई कि अपन घर पे रह जाते अच्छा। हाँ इससे तो अच्छा है गाड़ी लाइन में आने से, अच्छा है घर पे रहो।
आप पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ परेशानी हाँ। है पढ़ाई भी नहीं करो तो घर पे आराम से अपने माँ बाप के साथ में वहीं रहो, कोई काम धंधा करो। धंधा हाँ। भी तो नहीं है ना। और फिर अभी ये क्या है कि हम तो गांव वाले रह गए तो अभी धंधा दूसरा है नहीं। सही बात है, धंधा भी चाहे जितना भी पढ़ ले धंधा यही है, बस गाड़ी चलाओ। वो यार इसमें देखो एक बार ये भी रहता है रंजीत भाई, एक बार इंसान ये काम सीख गया हाँ। तो फिर अब वो यही करेगा, वो तो दूसरा कर नहीं पाता। और एक दो बार भी आ गया या महीने में एक दो बार भी आ गए ना हाँ। तो उसको बस यही पसंद आएगा, नहीं गाड़ी पे चलते हैं। सही बात है, यही हाँ यार। जब तक वो गाड़ी के पास में नहीं आएगा ना हाँ। तब तक तो उसको चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा उसको। सही बात है। एक बार मैं थोड़ा सा ट्रक दिखा दूं भाई का, यहाँ पे देखिए स्टोरेज ऊपर वगैरह सामान वामान रखने के लिए लगे हैं। भाई ने बहुत तामझाम करा, एसी तो आता नहीं इसमें, ऑप्शन में आता है, लेना चाहे तो ले सकते नहीं तो ले सकते। ये इस टाइप के गियर कितने टोटल इसमें? ये इसमें 6 है, 7 है। और यहाँ पे बहुत से फंक्शन दे रखे हैं अभी, और लाइट मीडियम हेवी सब आता होगा इसमें हाँ। रंजीत भाई ये सारी बत्तियाँ इसमें 74 बत्तियाँ हैं, 74 बत्ती। एक बार स्टार्ट करके दिखा सकते हैं आप? कौन सा मॉडल, कौन सा बताया था आपने? ये अपना 23 मॉडल, 2023 का ही मॉडल है। अच्छा, अपने आप एक्सीलेटर लेके इसने धीरे कर लिया अपने आप ही बंद कर दीजिए। अभी ये अभी सालन ये प्रेशर पूरा बनेगा हाँ। इसकी आवाज और चेंज हो जाएगी, प्रेशर पूरा बनेगा आवाज और चेंज हो जाएगी। अच्छा एक चीज और बता दीजिए आखिरी, फिर अपना खत्म करते हैं। ये जो पूरे टायर है इसको इसको बंद कर दीजिए, आपका अभी डीजल जलेगा नहीं तो। जो पूरे टायर है हाँ। ये कितने टाइम में चेंज हो जाते हैं? ये 8-9 महीने में हो जाते हैं, कभी 2 साल में भी हो जाते हैं। पल्टी करना, पल्टी करते हो या फिर पूरे चेंज ही कर देते हो? जैसे अभी ये वो एक 3 एक्सल में फूटा हुआ है हाँ। तो जैसे फूट जाता है ना हाँ। तो दूसरा नया डालते हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं हाँ। मतलब इस हिसाब से साल भर ये थोड़ा घस गया हाँ। अभी ये घोड़े के अंदर अभी डाल के लेके आया अभी 1 महीने पहले। अच्छा, 90,000 रुपए का टायर, दोनों दो जोड़े हाँ, एक इधर का हाँ, घोड़े के अंदर तभी डाल के लेके आया। तो इसके जो टायर थे उसको रिमोंड पे करना दिया, उसको ट्रॉली में दे दिया। अच्छा, मतलब ऐसे हल्की पल्टी, मतलब एक एवरेज मिला है तो 1.5 साल में पूरा चेंज कर हाँ। हो जाते होंगे, कभी 1 साल में भी हो जाता है, कभी 1.5 साल में भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टोलू भाई जो आप बिल्कुल कम बोले, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रेलर जो है ये भी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी खासी मिल गई होगी आपको। तो बाकी वो उससे तो कभी दिक्कत नहीं है ना, सुनाई नहीं करने से नहीं करने वो मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है यार भाई। मतलब वो ठंड होती है ना यार, ठंड की स्टार्टिंग में ठंड जाते जाते मुझे 50% सुनाई देने लगता है, मतलब कोई भी कुछ बोलता है ना तो 50% सुनाई देता है, उससे ज़्यादा सुनाई नहीं देता। वो एलर्जिक प्रॉब्लम है, बहुत इलाज कराया, उसका कुछ होता नहीं है, तो उसकी वजह से कभी प्रॉब्लम आया तो समझ जाना यार, मतलब ये बोला बहरे 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 वही वाली फीलिंग आती है मुझे इस टाइम पर। खास बाकी ये था हमारा गाइस छोटा मोटा वीडियो, होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।